हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे चार्ट को देखते हैं। अभी देखो, एक चैनल में था लेकिन अभी ब्रेक करके ऊपर साइड में जा रहा है मार्केट। आप देख सकते हो ना, यहाँ से यहाँ से ये कैंडल ब्रेक करके ऊपर साइड में जा रही है। देखते हैं इसी क्लोजिंग। तो यहाँ से कंटिन्यूएशन हो सकता है क्योंकि प्रेशर देख रहे हो बायर का बहुत ज़्यादा है भाई। तो वेट करते हैं और अच्छी एंट्री। अरे देखो, पहली एंट्री अपनी मिस हो गई भाई। कोई बात नहीं, फ्लक्चुएशन की वजह से ट्रेड कहाँ लेना था और कहाँ लग गया। तो देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हो रही है, उसके बाद में फिर। बहुत ज़्यादा ऊपर लग गया भाई, बहुत ज़्यादा। मुश्किल है कि ये विन हो, भले बायर का प्रेशर है नीचे से, लेकिन बहुत मुश्किल है कि ये विन हो पाए। क्योंकि यहाँ से उतनी दूर जाना मतलब बहुत मुश्किल है। लेकिन पीछे दो कैंडल देख रहे हो, ये वाली, मतलब कितना प्रेशर है इसमें। बायर देख रहे हो कितनी तेज़ी से आ रहे हैं, और देख सकते हो अपना ट्रेड फिर भी विन हो गया भाई, देख रहे हो। तो ये चीज़ है, कैंडल रीडिंग भी बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल है या क्या नाम है वीक कैंडल है, ये सब देखना जरूरी। देखो, फ्लक्चुएशन की वजह से अपना ट्रेड कहाँ लगा, लेकिन फिर भी ट्रेड विन हो गया। हालांकि इस कैंडल ने गैप अप किया है तो रेड बन सकती है, बिना मतलब के किया है तो यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे, दूसरे जगह करेंगे। एक स्टेप कंपाउंडिंग करेंगे या दो स्टेप देख लेते हैं, पहले मार्केट देखेंगे भाई, सही रहेगा फिर करेंगे, नहीं तो अवॉइड करेंगे, ठीक ना। दो ट्रेड, एक दो ट्रेड विन करके, दो तीन ट्रेड, ठीक। दूसरे चार्ट पे देख लेते हैं, कहीं ट्रेंड मिल जाता तो सही था। यहाँ पे देख रहे हो क्या हो रहा है भाई, ऐसे जगह पे अवॉइड करो जहाँ पे बिना मतलब के गैप अप गैप डाउन हो रहा है। यहाँ भी देखो, बिना मतलब के गैप अप गैप डाउन हो गया, तो यहाँ भी ट्रेड नहीं करेंगे। दूसरा चार्ट देखते हैं, यहाँ डाउन ट्रेंड है। अरे यहाँ भी देखो, अरे यार बिना मतलब के इसने गैप डाउन कर दिया। और ये दूसरी 5 मिनट की दूसरी कैंडल है, सॉरी 5 मिनट के अकॉर्डिंग दूसरा कैंडल है। देखो बड़ी कैंडल बन गई। यहाँ पे चलो, तो ट्रेड निकल ही गया, शुरू में ओपन में ही लगा सकते थे, लेकिन गैप डाउन कर दिया उसने, इसकी वजह से नहीं लगाए। और 5 मिनट के हिसाब से 1 मिनट पे दूसरी कैंडल थी ये। थोड़ा सा ठीक ठाक चार्ट वही था, लेकिन वहाँ निकल गया ट्रेड अपना। कोई बात नहीं भाई, देखो वेट करके, जितना वेट करके ट्रेड करोगे ना उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए, विनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक ना। देख रहे हो भाई, कहीं भी लेबल्स वगैरह तो दिख ही नहीं रहा, देख रहे हो ये ऊटपटांग क्या ये चल रहा है। ऐसे जगह पे ट्रेड करोगे तो क्या होगा भाई, लॉस ही होगा केवल। वेट करते हैं भाई, दूसरे जगह चलते हैं। अरे यहाँ पे अपना पेंडिंग टारगेट था, यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे लेकिन निकल गया। चलो कोई बात नहीं। देख लेते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग। चलो ये तो फिर से घूम के वहीं पे जा रही है। चलो यहाँ पे ट्रेड करने लायक नहीं है भाई, ट्रेडिंग कैंडल तो निकल गई अपनी जो भी थी वो, क्योंकि पेंडिंग टारगेट था ना, वहाँ हम ट्रेड कर सकते थे भाई। देख रहे हो मार्केट की हालत क्या है। ऐसे जगह पे ट्रेड अवॉइड ही करो आप लोग तो अच्छा रहेगा भाई, वो ठीक ना। अच्छे से मार्केट को देख लो, फिर यहाँ पे एक ओवरलैप का लेवल दिख रहा है मुझे, साइड में देख रहे हो, साइड में यहाँ पे है। देखो इसने लेकिन गैप डाउन किया है भाई, उसने विक से उस लेवल को टच भी किया है, तो भाई यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक ना। यहाँ पे टेलनेस कैंडल है और थोड़ी अच्छी एंट्री नीचे मुझे मिल जाती तो मैं अब के लिए यहाँ पे जाता। अरे निकल गई भाई, और नीचे आ जाती तो फिर ट्रेड ले लेते। चलो मैंने ले लिया भाई अब के लिए। उसका रीज़न, ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल मुझे दिखी और मोमेंटम भी अप का ही है अभी तो फिलहाल,
हालांकि बीच बीच में देख रहे हो मतलब छोटी छोटी कैंडल्स आई हैं, लेकिन ये लास्ट वाली कैंडल भी स्ट्रांग है और ट्रेंड भी अप है। दो रीज़न है ये ट्रेड लेने का, तो मेरे अकॉर्डिंग इस कैंडल को अभी ग्रीन में होना चाहिए, मतलब ग्रीन बनना चाहिए, लेकिन फ्लक्चुएशन देख रहे हो रेड ग्रीन कितना बुरा हो रहा है। तो वेट करते हैं, देखते हैं, लास्ट टाइम पे भी विन हो सकता है ट्रेंड के साथ में जाने पे, यही एक फ़ायदा रहता है। बाकी देखते हैं, अपना ट्रेड भाई विन हो गया लेकिन इस तरह से ट्रेड नहीं करना भाई, देख रहे हो लास्ट टाइम पे अपना ट्रेड विन हुआ है, ठीक ना। तो ट्रेंड देख रहे हो ना आप, ट्रेंड दिख रहा है ना आपको, यहाँ से ऊपर ही जा रही है मार्केट, और इसने गैप अप कर दिया लास्ट टाइम पे, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे बायर्स का ही है भाई, वो ठीक ना। चलो कहीं देखते हैं, कोई श्योर शॉट नहीं दिख रहा है भाई जहाँ पे मतलब अच्छा कोई लेवल मिल जाए। देखो रेड ग्रीन क्या देख को ट्रेड, क्या देख के ट्रेड करोगे भाई, यहाँ पे 64% ही दिखा रहा है, 80% है, लेकिन देख रहे हो अभी फिर से वही खुल गया। तो यहाँ देख सकते हो इस कैंडल की क्लोजिंग, देखते हैं ये इंगल्फ करती है तो फिर, और 5 मिनट की कौन सी कैंडल है, 5 मिनट के अकॉर्डिंग अभी आखिरी ये कैंडल थी, तो यहाँ पे अभी रेड आ सकती है एक, और इसने इस कैंडल को इंगल्फ भी किया है, विक भी है नीचे, हल्का सा अच्छा एंट्री मिले क्योंकि अमाउंट ज़्यादा है, थोड़ा अच्छा एंट्री मिल जाए क्योंकि डोजी वोजी बन गई तो लॉस हो जाएगा भाई, और ऊपर थोड़ा सा ऊपर चला जाए तो मैं डाउन के लिए यहाँ पे ट्रेड ले लूँगा, क्योंकि पिछली कैंडल को उसने इंगल्फ कर लिया और ऊपर। चलो मैंने आखिरी समय पे डाउन के लिए ट्रेड ले लिया, रीज़न मैंने आपको बता दिया, इस कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर लिया है, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। वेट करते हैं, ये ट्रेड अपना विन हो गया तो ठीक है, लॉस हो गया तो यहीं पे क्लोज कर देंगे, ठीक ना। विन हो गया तो भी क्लोज करेंगे, क्योंकि वीडियो इससे बड़ा नहीं बनाना है, क्योंकि 2 स्टेप हो गया था, तीसरा स्टेप ये है कंपाउंडिंग में कर रहा हूँ, और रिजल्ट आपके सामने आप देख रहे हो, इस कैंडल को स्ट्रगल हो रहा है लेकिन फिर भी क्या नाम है अपना ट्रेड विन हो जाएगा, ठीक ना। तो देख सकते हो ट्रेड अपना विन हो गया है, कंटिन्यू मैंने 500, 1000, 1800 और ये 1800 का फिर ट्रेड, तो 23 का प्रॉफिट हुआ है कुछ अपना, $8-10 जो भी लॉस था वो रिकवर भी हुआ है, ठीक ना। तो दोस्तों आई होप आज के वीडियो से भी आपने कुछ सीखा होगा कि ट्रेंड के साथ ट्रेड करो तो आखिरी टाइम पे भी ट्रेड अपने विन हो जाते हैं, और कहीं कोई पैटर्न दिखता है तो भी आपको कैसे ट्रेड करना है, कैंडल रीडिंग के अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड करना है, और भी नहीं समझ में आ रहा है भाई तो आ जाओ, नेक्स्ट बैच 3 स्टार्ट हो रहा है, उसमें सीख लो, फीस नहीं देना आपको, केवल एफिलिएट लिंक से यानी टर्नओवर के लिंक से, रेवेन्यू शेयर के नहीं भाई, मुझे सिग्नल नहीं प्रोवाइड करना है, मुझे एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाना है आपको अपने जैसे, कि दूसरों की जरूरत ना पड़े कि अकाउंट हैंडल के लिए दो आप किसी को, और किसी से क्या नाम है, किसी को अकाउंट हैंडलिंग के लिए नहीं देना है, किसी का सिग्नल फॉलो नहीं करना है, खुद इंडिपेंडेंट होके आपको खुद से ट्रेड करना है, सीख के प्रैक्टिस करके उसके बाद ट्रेड करना है, ठीक ना। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिनको भी आना है भाई आ सकते हैं, टाइम बहुत कम है, 1-2 दिन में मैं डेट फिक्स कर दूंगा, देखते हैं, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।